Video be shared automatically. So after this class, you can get the video, Divaskar, on your Skype. Then you can see later also. Okay. So I'm going to. I hope you can see my screen desktop, right? Yes, sir. Yeah, perfect. So Divaskar, there is no hurry, worry. We will go from very basics. Basics means like we will go from very scratch, slow, deeply, step by step. The motto is actually my motto is. सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस. हाँ बोलो सर. आप ये मान के चलो सर, मतलब सर मैं एकदम नील हूँ, जीरो हूँ सर, उस तरीके से आप ठीक है. तो हम लोग कैसे चलेंगे इसको, बिल्कुल वी विल गो विद द वेरी लाइक बेसिक वेरी स्क्रैच लेवल फ्रॉम द बिगिनिंग. आई विल टेक एज यू डोंट नो अबाउट द SAP ABAP. सो इन SAP ABAP you know Divaskar, what is the SAP and what is the ERP, why we need ERP, you know that, I hope. If you know that, what is SAP, what is an ERP, what is the requirement of ERP, or let's get it started. As you know, SAP is a German based company. Okay, 1970s, five employees of the IBM company, they started a company. Okay. Yes, sir. Yes. So means this SAP is nowadays in the market, they have like 70-75% to 80%, they have captured the market. They provide the ERP solution. So what is an ERP? Why we need ERP? In the market, you can see multiple vendors. They provide the ERP services like PeopleSoft, Microsoft ERP bhi aata hai, PeopleSoft hai. बहुत सा है, बहुत सी कंपनीज दे प्रोवाइड द एयर पोस्ट, बट SAP इज द ऑब्वियसली यू नो SAP लाइक जर्मन थिंग्स आर बहुत वैसे भी अच्छी होती हैं, राइट? तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई वी नीड ERP? सो सपोज दैट आई हैव अ कंपनी, सपोज अ कंपनी इज देयर होंडा, होंडा यस, सपोज दैट होंडा they manufacture four wheelers, they manufacture engines. I have seen engines means they generators, big engines. They manufacture different kind of engines also. Now my question is Divaskar, simple. If you go any small kirana shop, yeah, right? If you go any small kirana shop, the person in the kirana shop, they can maintain the transaction through a register. We call this जनरली खाता मेंटेन करते हैं. वो जो दुकानदार होते हैं, शॉप ओनर्स, वो क्या करते हैं जनरली कि स्मॉल खाता मेंटेन करते हैं. उसमें वो क्या मेंटेन करते हैं, कितने कस्टमर हमारे पास डेली आए या हमने कितना सेल किया डेली प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके बाद हमारी डेली जो हम जितने हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं उनको हमने कितना प्रोडक्ट सेल किया और कौन सा हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, ठीक है. उसके बाद जो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहा है दोबारा उनको क्या करना होता है, वो एवरी वीक में या वीकेंड्स में वो जाके वो मार्केट से सामान ला के खरीद के फिर अपनी शॉप में मैनेज करते हैं, भरते हैं गुड्स या प्रोडक्ट्स, राइट? अच्छा, अगर मैं यहाँ बात करूँ होंडा कंपनी की, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक एग्जाम्पल होंडा लेता हूँ मैं, कोई भी कंपनी हम ले सकते हैं, मित्सुबिशी, कोई भी कंपनी. अच्छा, इस कंपनी में क्या होता है, इस कंपनी में डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, क्योंकि अगर ये होंडा, मैं एक सिंपल बात करूं, अगर टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कर रहा है ये होंडा दिवासकर, तो इस होंडा कंपनी को पहली चीज तो मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी, राइट? मटेरियल मींस रॉ मटेरियल आप ले लो, नहीं तो मटेरियल्स. अगर एक कार डिजाइन करनी है, कार मैन्युफैक्चर करनी है मार्केट में करनी है, तो उसके लिए टायर्स चाहिए होंगे, ठीक है, इंजन अंदर ऐसी सीरीज,
जो कि फाइबर की होती है, ऐसी सीरीज चाहिए होगी। उसके बाद में उसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो कार के अंदर होती है, लाइट्स, हेडलाइट्स, बैक लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम्स, राइट। सो सिंपली सिंपली समझो जनरली आप, तो एक इसको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, इसको प्लांट की जरूरत पड़ेगी, प्लांट, ठीक है। इनको वेयर हाउस की भी जरूरत पड़ेगी। वेयर हाउस क्या है? जहाँ पे गुड्स स्टोर होते हैं, सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, वहाँ पे गुड्स गुड्स जो होते हैं रिसीव होते हैं, वहीं से गुड्स को जो है इशू किया जाता है, वहीं से इनबाउंड आउटबाउंड डिलीवरी होती है, ठीक है। इनको ऑब्वियसली प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा जहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स बनेंगे। जैसे अगर इंजन इंजन ही बना रहा है फोर व्हीलर का, तो इंजन के जो मेटल जो बॉडी होती है वो एल्यूमिनियम होती है, यस सर। उसके लिए इनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल, ठीक है। और होंडा की अगर मैं बात करूँ, तो इसका एक मॉडल मार्केट में नहीं है। होंडा है डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कार्स इन द मार्केट। अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ, तो वहाँ पे है बहुत सारे मॉडल्स हैं होंडा के, होंडा सिटी, बहुत सारी कार्स हैं। अगर मैं अब्रॉड में बात करूँ, तो हर, सिटी, अमेज़न, अमोर, हाँ, तो मतलब बहुत मॉडल्स हैं उसके अंदर। मतलब तो इतना बड़ा बिजनेस मैनेज करने के लिए दे कैन नॉट मैनेज दिस काइंड ऑफ बिजनेस थ्रू अ नोटबुक। सो अभी सपोज वेयर हाउस की मैं बात करता हूँ, जहाँ पे ये अपनी कार्स को स्टोर करके रखते हैं, गुड्स को मार्केट में भेजने से पहले दे स्टोर ऑल द प्रोडक्ट्स इन टू द वेयर हाउस, राइट। नाउ फॉर सेल दे नीड सेल डिपार्टमेंट, सेल, बिकॉज आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट दे नीड टू बी सेल, दे नीड टू सेल इन द मार्केट। मीन्स अगर अगर केवल आप प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सेल नहीं कर रहे, तो व्हाट्स द बेनिफिट टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स। दिवाकर क्लियर हो रहा है ना? यस सर, परफेक्ट। हाँ, तो सेल करने के लिए भी इन, हाँ, सेल सर अभी करने के तक लिए तो भी समझ इन, में आया सर, बराबर सारा। ओके थैंक यू। तो सेल करने के लिए दिवाकर दे नीड अ सेल टीम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल। नाउ होंडा वुड लाइक टू सी इन माय इंडियन कंट्री, इन द इंडियन कंट्री विच मॉडल इज परचेसेस बाय कस्टमर्स इन स्केल ऑफ हाई। मतलब इंडिया में मेरा कौन से कार का मॉडल सबसे ज्यादा बिकता है। ओके यहाँ पे अगर मैं एक मारुति कंपनी की बात करूँ, मारुति जो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन इंडिया में, मारुति, उसकी 800 बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा सेल हुआ था उसका। सर प्लीज़ प्लीज़ रिपीट अगेन सर। सेल्स आपने बोलता प्रोडक्ट को सेल्स ज़्यादा हो हाँ, सर, एक्चुअली क्या सर ये गवर्नमेंट ऑफिस है, तो कोई भी ऐसे गेट इट्स होते ओके सर, गेट आवाज नो नो करते प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं कंटिन्यू करता हूँ, कोई बात नहीं, नॉट एन इशू। तो अगर मैं बात करता हूँ सेल की, ठीक है, तो एक कंपनी है, अगर वो मैन्युफैक्चर कुछ प्रोडक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली जो वो सर। मैन्युफैक्चर, सर एक्सक्यूज मी, हेलो बोलो बोलो सर, बोलो बोलो। सर, ये लेक्चर सर आप रिकॉर्ड कर लीजिए सर, मुझे बाद में सेंड कर देना है ना, बीच में भी इशू आ रहा है सर। मैं हेडफोन लगाता हूँ सर मेरे पास, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा हेडफोन लगाने के बाद। मैं एक चीज़ बताता हूँ दिवाकर, डोंट वरी, डोंट वरी, तेरे आपके पास, इफ़ यू विल गेट टाइम, जब भी आपको टाइम मिले हम दोबारा कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एक्चुअली होगा क्या, जब मैं लाइव क्लास लूँगा ना तेरे से कनेक्ट करके, तो तेरे जो क्रॉस क्वेश्चंस कुछ आएंगे, अगर जैसे मैं DDIC डेटा डिक्शनरी पे जब जंप करूँगा सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम में, उसके बाद में क्रॉस क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं वो चाहता हूँ कि क्रॉस क्वेश्चन आप मुझसे जब करोगे, तो मैं वो चीज़ें डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है ओके ओके सर, ओके आई नो। तो दिवाकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप शाम इवनिंग में फ्री हो, हम इवनिंग में बैठेंगे, ठीक है। ओके ओके सर, जब आप फ्री हो और मुझे कॉल करते हैं, मतलब 13 बजे के बाद, 12-1 बजे के सर, बाद या 2 बजे के बाद, हम शाम को लॉन्ग सर बैठेंगे, 2 से 3 बजे। एक सेकंड सर, एक सेकंड।
सर एक मिनट सर, मैं हेडफोन्स लगा लेता हूँ सर, काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा सर यहाँ पर, एक सेकंड सर। सर कल से घर पे ही ले लूँगा सर क्लास सुबह मॉर्निंग में। सर बेस्ट रहेगा। एक्चुअली आज कोई, वीकेंड था, हाँ आज सर, वीकेंड था तो थोड़ा अच्छा जल्दी उठना पड़ता है ऑब्वियसली, लेकिन आज वीकेंड था तो थोड़ा मैंने कहा थोड़ा सो जाता हूँ, फिर सो गया तो फिर देर में जाग खुली आज। सर ये आप बोल रहे हैं कि मतलब आफ्टरनून में 2 बजे के बाद दोबारा कॉल करने के लिए किए? नहीं आज अभी जैसे क्लास में डिस्टरबेंस हो रहा है आपको पीछे से, जो बैकग्राउंड नॉइसेस आ रही हैं, तो अगर अभी कंफर्ट नहीं हो तो मुझे शाम को फ़ोन करो, शाम को हम कनेक्ट करके, शाम को 6 या 7 बजे कनेक्ट करके 8, 9, 10 बजे तक भी बैठ सकते हैं सर नहीं रेगुलर। सर अब कर लेते हैं सर कनेक्ट, सर मैंने ऑफ कर दिया सर। हाँ अच्छा ठीक है, ओके ओके सर एडजस्ट करना पड़ेगा सर, तो आज तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कल से परफेक्ट कर लेंगे। अच्छी बात है। तो मैं कहाँ पे था, सेल 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 की बात कर रहा था मैं, यहाँ पे सर ये बोल मटेरियल। रहा कि मटेरियल सेल्स कौन सी कंपनी, मतलब कंपनी की कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा परचेज हो रही है मतलब इंडिया के अंदर सर, इसके बाद से थोड़ा। हाँ देखो आप पीछे बैकग्राउंड समझो बिजनेस का, कैसे कैसे बिजनेस हो रहा है, ठीक है, पहले बिजनेस समझना ज़रूरी है। अच्छा अभी सपोज मार्केट के अंदर मारुति एक कंपनी है, मारुति, ठीक है, मतलब एक कंपनी है मारुति, उसका एक मॉडल था 800, वो बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर सेल हुआ था, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई सेल की। अब कोई भी अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो या बना रहे हो तो उसके लिए सेल डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोडक्ट्स कितने किस जगह पे कितने सेल हो रहे हैं, कितने सेल नहीं हो रहे हैं। तो जो मेरे प्रोडक्ट्स, जो मॉडल्स मेरे सेल नहीं हो रहे हैं, एज अ होंडा कंपनी मैं बात कर रहा हूँ, सेल नहीं हो रहे हैं, तो कंपनीज़ क्या करती हैं, उनके उनके ऊपर फिर ऐड देती हैं। जैसे इनका कोई मॉडल है सपोज़ ABC होंडा का, जो सेल मार्केट में ज़्यादा नहीं हो रहा है, उस पर फिर ये टारगेट फोकस करते हैं। तो फिर उसमें क्या है, सारे न्यूज़ चैनल पर ऐड देंगे या और क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में एड्स देंगे, जिससे इनकी सेल बढ़े, ठीक है ना। यस सर, उसके कई तरीके हैं, वो सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, कई तरीके के पैम्पलेट्स, बैनर्स, बड़े बड़े रोड्स के किनारे, ये एक तरीका हो गया, एडवर्टाइजमेंट्स ठीक देंगे है, सर, बड़ी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट्स। हाँ करेक्ट, ठीक है, ये केवल सेल की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसमें इनका बेनिफिट क्या होगा कि मेरी किस कंट्री में ज़्यादा सेल हो रही है, किस में कम सेल हो रही है, वो बिजनेस ये देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, ये देखने के लिए होंडा नीड्स अ सॉफ्टवेयर, एन ERP सॉफ्टवेयर। होंडा को एक ERP सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, जिसमें ये क्या देख सकेंगे, देख सकते हैं सेल कितनी हो रही है। जैसे अगर मैं SAP की बात करूं तो उसमें VBAK, VBAP राइट, हाँ ये सारे टेबल्स हैं। तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम देखते बिल्कुल। जी सर मैंने ईयरफोन लगा लिया सर, आवाज आ रही है हैं। आ रही है अपनी छोट है, मैं मैंने सुना। तो सेल के लिए कैसा है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं। और जी क्या हाल हो रहे, मैं तो दरअसल ओके देवास्कर, सो मेरी आवाज़ आ रही है ना देवास्कर आपको, ओके। ये सर परफेक्ट। तो सेल की मैं बात करने के लिए, अगर एक बड़ी कंपनी है तो उसको सेल के लिए, जैसे अगर मैं SAP में बात करूँ तो SAP के लिए टेबल्स हमारे पास कौन से हैं, हेडर आइटम VBAK है, VBAP है। अगर मटेरियल की बात करूँ तो यहाँ पे मारा टेबल है, मारा मारा इस MARC है जो मट, मारा हाँ MARD है। MARD क्या करता है, स्टोरेज लोकेशन है इसकी एक्चुअली, जो मैन्युफैक्चर ये प्रोडक्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा ना, उसको एक जगह चाहिए जहाँ पे प्रोडक्ट बनने के बाद स्टोर होंगे। मतलब अगर नई कार्स बन रही है, स्टोर कहाँ पे करेगा वो। MARD में क्या होता है, स्टोरेज लोकेशन होती है, ठीक है, वेयर हाउसेस। तो अगर मैं अगर मैं इसके इसके एक एक मॉड्यूल की मॉड्यूल बात की बात करूँ करूँ SAP के, जैसे मटेरियल की मटेरियल बात की बात करूँ, करूँ तो तो उसमें कितना रॉ कितना मटेरियल रॉ हमें मटेरियल हमें चाहिए, चाहिए, अगर हमें अगर केवल हमें एक केवल होंडा एक सिटी होंडा कार सिटी मैन्युफैक्चर कार करनी है, मैन्युफैक्चर तो करनी है कितना कितना मटेरियल रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल मटेरियल चाहिए, चाहिए, इंजन बनाने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, एल्यूमिनियम अलॉय चाहिए, जो भी चाहिए मटेरियल, उसकी इंटीरियर बनाने के लिए कितना प्लास्टिक, कितना फाइबर चाहिए,
उसकी लाइट के लिए कितनी वायर्स चाहिए, कितनी वायरिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए, उसमें म्यूजिक सिस्टम फिट करने के लिए, स्पीकर्स करने के लिए कितने स्पीकर्स चाहिए, ये सारी चीज़ें एक छोटी खाता बुक से, छोटी खाता नोट पेन से मैनेज नहीं हो सकती, राइट? सो इस सारी बिजनेस को मैनेज करने के लिए दिवाकर कंपनी नीड्स ईआरपी सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब होंडा क्या चाहता है कि, अच्छा, ये सारा जितना भी कुछ हो रहा है ये तो बहुत ही कम लेवल, स्मॉल लेवल पे है। अंदर जाने के बाद एसईपी के हर एक मॉड्यूल के अंदर, अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो पहले इंक्वायरी है, उसके बाद कोटेशन है, सेल्स ऑर्डर है, परचेस ऑर्डर है, डिलीवरी है, बिलिंग है, इनवॉइसेज है, जिसके अलग अलग टेबल्स हैं। केवल एक सेल्स ऑर्डर, सेल्स मॉड्यूल की बात करूँ तो मैं, ऐसे ही मटेरियल के अलग अलग टेबल्स हैं, काफ़ी कुछ है उसके अंदर। वेयर हाउस की बात करूँ, उसके अंदर आपका इनबाउंड डिलीवरी है, आउटबाउंड डिलीवरी है, गुड रिसिप्ट कब होता है, यार्ड है, डॉकिंग है, क्रॉस डॉकिंग है, किटिंग है, शिपिंग है, ठीक है। वेयर हाउस के अंदर भी फास्ट मूविंग आइटम कहाँ रखने हैं, बिन्स हैं, स्टोरेज बिन्स हैं। तो पर्टिकुलर अगर प्लांट है, जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग है एसएपी की, तो सारा चीज मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा दिवाकर, इतना सारा बिजनेस मेंटेन करने के लिए ईआरपी की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है एसएपी ही क्यों, वाई एसएपी? बिकॉज मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं जो ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं बड़े बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं दूसरे किसी वेंडर की, पीपलसॉफ्ट है, बहुत से वेंडर्स हैं, उनके साथ क्या है? अगर मैं ओरेकल की बात करूं, ओरेकल भी ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी कुछ मैं ड्रॉबैक नहीं बोलूंगा, बट हाँ, ये अगर मैं केवल ओरेकल की बात करूं तो ओरेकल जो है अपने डेटाबेस के लिए बहुत फेमस है। मोस्टली जो बैंक्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे ICICI, वो आज, और हमारे फ्रेंड्स जो काम कर रहे हैं एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस सीनियर्स बैंक्स, वो बैंक का डेटा मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज होंडा को एक ईआरपी सॉफ्टवेयर परचेज करना है सॉल्यूशन, तो और वो जाता है ओरेकल के पास, तो उसको क्या मिलेगा? डेटाबेस, उसको एक डेटाबेस के लिए उसको अलग से पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसको क्या करना पड़ेगा होंडा को? फिर वो जाएगा पीपलसॉफ्ट के पास, तो उसको यहाँ पे एक एडिशनल अमाउंट, इसको अलग, इसका अमाउंट जो लाइसेंस इसको लेना पड़ेगा, इसको यहाँ भी लाइसेंस लेना पड़ा ओरेकल से, अगेन इसको यहाँ भी लाइसेंस लेना पड़ेगा अलग से, तो दो बार इसको पे करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा और पीएस से भी लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मतलब पीएस मतलब जो कि पीपलसॉफ्ट एक कंपनी है, ठीक है। तो ओरेकल क्या बोलेगा? ठीक है, मैं आपको स्ट्रॉन्ग जबरदस्त डेटाबेस प्रोवाइड करूंगा, ये बोलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप, पीपलसॉफ्ट के पास जाएगा, वो कहेगा ठीक है, मैं आपको बहुत ही अच्छा, आपको ट्रांजैक्शनल एप्लीकेशंस के लिए या बिजनेस एप्लीकेशन के लिए आपको एक मॉड्यूल दूंगा। सपोज ये प्रोडक्शन, ये मटेरियल के लिए मॉड्यूल इसने इससे ले लिया, पीपलसॉफ्ट से, मटेरियल मेंटेन करने के लिए डेटाबेस इसने इससे लिया। अब ये क्या करेगा? अब ये सपोज फ्रंट एंड के लिए, जो GUI जिसको हम बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए ये जाता है, जिसमें जैसे SAP में फीरी है, फीरी के लिए ये क्या करता है? सपोज नॉट फीरी, फ्रंट एंड, एक कस्टमर को अच्छा बिजनेस फ्रंट एंड दिखाने के लिए, या उसके जो यूजर्स हैं, या होंडा है जो उसकी जो टीम है वो मेंटेन जो बिजनेस कर रही है, उसके अच्छा फ्रंट एंड दिखाने के लिए वो क्या करेगा? माइक्रोसॉफ्ट के पास आया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अच्छा GUI प्रोवाइड करता है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कितनी यूजर फ्रेंडली है। लिनक्स की अगर मैं बात करूं, पूरी कमांड है, उबंटू पूरी कमांड बेस GUI बेस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 विंडोज 10 की बात करूं, उसमें आपको नए नए फीचर्स मिलेंगे, जैसे ये है देखो, ठीक है, पूरा यहाँ पे है, ठीक है, पूरा सब कुछ यहाँ पे है, आप देख सकते हैं न्यू फीचर्स, ये नया वर्जन में न्यू फीचर्स ऐड किए हैं विंडोज ने, ठीक है। अभी अपडेट आया है अक्टूबर को 2020 को। तो इसका ड्रॉबैक यहाँ पे क्या है? इसको GUI के लिए इसको पे करना है अलग से, डेटाबेस के लिए ओरेकल को पे करना पड़ा, इसको PS मटेरियल के लिए इसको पे करना पड़ा, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह से इसको अलग अलग लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत कॉस्टली होती है,
ठीक है। अच्छा अब एक सिंपल सी चीज, मैं सेल्स डिपार्टमेंट ले लूँ, मैं वेयर हाउस ले लूँ, मैं मटेरियल डिपार्टमेंट ले लूँ, मैं प्रोडक्शन प्लानिंग ले लूँ, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, अगर वो मैन्युफैक्चर चीज़ कर रही है तो उसको सेल भी करना है, सेल डिपार्टमेंट चाहिए चाहिए बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। उसको अगर बना रही है तो उसको प्लांट भी चाहिए भाई, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो एक आपको फैक्ट्री चाहिए ना, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर अगर आप कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसको स्टोर कहाँ करोगे आप बोलो? उसके लिए एक आपको स्पेस चाहिए, उसके लिए आप वेयर हाउस लोगे या जो भी स्टोरेज आपका स्टोरेज लोकेशन होगी जहाँ पे वेयर हाउस होगा, ठीक है। अच्छा अब इतना सारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है कंपनी के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए एक अकाउंट डिपार्टमेंट भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए दिवास दिवास का बोलो? यस सर चाहिए चाहिए, क्योंकि विदाउट अकाउंट के तो बिजनेस रन कैसे करेगा, वो तो कोर मॉड्यूल है FI, फिनेंस अकाउंटिंग, मतलब फिनेंस अकाउंटिंग। तो उसको FI के लिए फिर उसको सपोज ओरेकल के पास आना पड़ा, एग्जाम्पल दैट। तो जगह जगह अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से अलग अलग सर्विस लेने से अच्छा क्या करेगा वो, सीधे SAP के पास चला जाएगा, मतलब वो SAP इंप्लीमेंट करेगा। इसका बेनिफिट क्या है SAP का, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, SAP का बेनिफिट क्या है सबसे बड़ा दिवासकर? अगर ये SAP से लाइसेंस लेता है तो इसके अंदर सारे मॉड्यूल्स इंटीग्रेटेड है, मतलब इसे अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, वेरी नाइस, सर्विस के लिए, GUI के लिए, वेरी वेरी एग्जैक्टली। अगर तू SAP सिस्टम के अंदर लॉग इन करेगा, इफ यू विल लॉग इन टू द SAP सिस्टम, देयर यू कैन सी इफ यू एग्जीक्यूट द ट्रांजैक्शन कोड, सपोज MM01, सॉरी अगर तू स्टेबल के अंदर, अगर तू MM0 या मारा के अंदर जाएगा तो तेरे को पूरा मटेरियल का दिखेगा वहां पे, तो VA01 के अंदर जाएगा तो तेरे को सेल्स ऑर्डर का वो ट्रांजैक्शन कोड है, और उसके अंदर तेरे को VBA के VBAP में जाएगा तो आइटम हेडर दिखेगा, ठीक है। ऐसे HR के टेबल्स हैं उसके अंदर, ऐसे EWM के टेबल है, ऐसे FI के टेबल तेरे को दिखेंगे उसके, जैसे BSC बड़े बड़े टेबल्स हैं उसके अंदर, ठीक है, सॉरी। तो ये सब चीज़ें तेरे, ये जो चीज़ें, आई एम सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, मैं कल से थोड़ा सही कर लूँगा सर। नो प्रॉब्लम सर, ये अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन ही चल रहा, कोई नहीं। हाँ तो ये जैसे SAP से अगर मैं लेता हूँ तो उसके अंदर FI मॉड्यूल इंटीग्रेटेड है, HR है, उसी के अंदर तेरे को PP प्रोडक्शन प्लानिंग भी मिलेगा, उसके अंदर भी EWM मिलेगा, जो पहले वेयर हाउस मैनेजमेंट था लेकिन वो अपग्रेडेड है, एक्सटेंडेड है, उसी के अंदर SD मिलेगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो तेरे को, यस, उसी के अंदर मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है, उसी के अंदर तेरे को जैसे और न्यू मॉड्यूल्स आए हैं, BW भी मिलेगा, BWBI, हाँ BW, और BI, BODS, बिजनेस ऑब्जेक्ट डेटा सर्विसेज, बिजनेस इंटेलिजेंस, इसी के अंदर तेरे को एक और मॉड्यूल भी, मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, हम जाके देख सकते हैं, जैसे इसी के अंदर भी और भी मॉड्यूल हो गया तेरा, ये तो कोर मॉड्यूल्स की बात करूँ जो बहुत बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, 37 मॉड्यूल है ना टोटल, हाँ एग्जैक्टली। तो अभी GUI की अगर मैं बात करूँ, अच्छा अब अगर SAP को ज़रूरत है डेटाबेस की, तो उसको किसी दूसरे वेंडर ओरेकल के पास या माइक्रोसॉफ्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है डेटाबेस के लिए, SAP का खुद का डेटाबेस है S4HANA, जो हाना डेटाबेस है। S4HANA इज़ नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर सूट, बिजनेस सूट, हाना इज़ द डेटाबेस, ठीक है, तो इसके पास खुद का डेटाबेस है SAP का, ठीक है। तो बेनिफिट देख, मतलब बेनिफिट क्या है कि सपोज दैट आपको आटा, राशन, दाल, ऑयल, कुकिंग फूड्स कुछ और ग्रॉसरीज सब कुछ खरीदना है, तो बेहतर क्या है इफ यू विल गो टू द एनी बिग बाजार, सपोज मतलब अलग अलग दुकानों पे जाने से मच बेटर है कि इफ यू विल गो टू द बिग बाजार और कोई शॉपिंग मॉल में चले जाओ, अंदर जाने के बाद में वहां से दिवासकर कैसा है, यू कैन परचेज एवरीथिंग, राइट? यस सर, जैसे विशाल मेगा मार्ट है, बिग बाजार है, डी मार्ट है, तो इसके अंदर जाने के बाद तेरे को क्या, इसी के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, आटा, दाल, राशन, इवन पेंसिल, अलग अलग जगह में नहीं पड़ेगा कि दाल कहीं से लेनी, आटा कहीं से लेना, चावल कहीं से लेना है, अलग अलग नहीं भटकना पड़ेगा, एक जगह पे सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। हाँ, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, टाइम सेव होगा, सेकेंड बेनिफिट क्या होगा, कम लागत में, मतलब कम लागत में
हमें क्या है, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा, कम लागत। क्यों, आप घर से निकलते हो, 10 डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे जाओगे बाइक से, अगर जा रहे हो एग्जांपल दैट, तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगेगा। सिंपल बिग बाज़ार जाओगे, पार्क करोगे, सब कुछ वहाँ से लेके घर पे आ जाओगे, तो टाइम बचा, इन्वेस्टमेंट बचा। अगर ये तो एक जनरली मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बहुत बड़े लेवल की बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत इफेक्ट करती हैं सब चीज़ें दिवासकर। यस सर, आप ये चीज़ें सच में बहुत इफेक्ट करती हैं, एक एक ट्रांजेक्शन। अभी मैं एफआई की बात करूं, तो उसमें आपका एफआई भी है, एफआई में काम किया है मैंने काफ़ी बार, फंक्शन साइड भी किया, कॉन्फ़िगरेशंस भी किए हैं। तो उसमें पहले जैसे बीएससीजी एक टेबल था, वो क्लस्टर टेबल था, अभी वो ट्रांसपेरेंट टेबल हो गया है, ये जो आपका नेट व्यूअर 7.4 7.5 के बाद में, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट टेबल है जिसमें टू वन रिलेशनशिप होता है। तो ये सारा बिजनेस मेंटेन करने के लिए एफआई अकाउंटेंट की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन बेनिफिट ये है, सिंपल, अगर दे विल, अगर हम परचेज करेगा एसएपी से लाइसेंस, तो सारे मॉड्यूल इंटीग्रेटेड उसको मिल जाएंगे। मोस्टली कोर मॉड्यूल्स इंटीग्रेटेड तो मिल ही जाएंगे, मैं कहता हूँ ईडब्ल्यूएम नहीं मिलेगा क्योंकि वो डिफरेंट सिस्टम है, ठीक है, स्टैंड अलोन। एसडी तो मिल जाएगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, एफआई मिलेगा, एचआर के कई मिल जाएंगे, क्योंकि ये कोर मॉड्यूल्स हैं, ये चाहिए ही चाहिए बिजनेस के लिए, ये जरूरी है, बिल्कुल। तो इसीलिए इसकी मार्केट सबसे ज्यादा है, मतलब इसीलिए मार्केट में इसने ग्रिप बना के रखी है सबसे ज्यादा एसएपी ने। और वैसे भी जर्मन की चीजें, जर्मन ऑब्वियसली मर्सिडीज बैन नहीं किए, मर्सिडीज राइट, सो जर्मन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और जर्मन की चीजें वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं, ये मेरा पर्सनल अजम्पशन है। नाउ अगर हम, हाँ अगर हम अभी बात करेंगे डेटा डिक्शनरी की, नाउ आर्किटेक्चर बताऊंगा अभी, और थ्री टायर आर्किटेक्चर, हाँ तो थ्री टायर आर्किटेक्चर तो आपको देखो सिंपल है, पहले क्या होता था, पहले थ्री टायर नहीं था आर्किटेक्चर, पहले क्या था, टू टायर ही था। सो इसी के अंदर प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन लेयर थी, इसी में बिजनेस लेयर, डेटाबेस लेयर थी। ड्रॉबैक क्या था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, अगर कुछ डेटाबेस में कुछ भी इशू होता है, कुछ भी इशू आता है, कुछ भी कोलैप्स, क्योंकि कुछ भी अगर एक्सीडेंशियल कुछ भी होता है, तो दोनों लेयर कोलैप्स हो जाती थी। यहाँ पे क्या है, थ्री डिफरेंट लेयर है आर्थी आर्किटेक्चर में, जैसे प्रेजेंटेशन लेयर जिसमें हम काम करते हैं, जैसे हम कोई भी अगर एससी डेवलपमेंट ट्रांजेक्शन कोड एग्जीक्यूट करेंगे, SC38 करेंगे, तो वो क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे ही हम काम करते हैं, SAP GUI, ठीक है। यहाँ पे हो गया एप्लीकेशन लेयर, जिसको हम बोलते हैं ABAP स्टैक, क्या बोलते हैं, ABAP स्टैक, या इसको हम बोलते हैं बिजनेस लेयर। नाउ थर्ड लेयर होती है, यस एग्जैक्टली, बिजनेस लेयर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहीं पे हम कोडिंग करते हैं। कोई भी फंक्शनल ट्रांजेक्शन कोड मैं ले लेता हूँ, सपोज करो VA03 टू डिस्प्ले द सेल्स ऑर्डर, राइट। फंक्शनल कंसल्टेंट जब भी कोई भी फंक्शनल ट्रांजेक्शन कोड एग्जीक्यूट करता है, उसके पीछे कोडिंग किसकी एग्जीक्यूट होती है, ABAP की ही होती है। यस, तो मतलब ये लेयर, दिस एप्लीकेशन लेयर कम्स इनटू द पिक्चर। सो दीज आर द कोर लेयर्स। अगर मैं SC11 ट्रांजेक्शन कोड एग्जीक्यूट करके व्यू देखता हूँ, डेटाबेस व्यू है, बताऊंगा आगे पूरा डिटेल में, डेटाबेस व्यू है, प्रोजेक्शन व्यू है, मेंटेनेंस व्यू है, तो इस वो कहाँ पे है, होती वो डेटाबेस में है, बट यहाँ पे हमें शो होती है यहाँ। तो प्रेजेंटेशन लेयर इज वेरी मैंडेटरी, ठीक है। अगर हम एक स्मार्ट फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं SAP में, वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, ऑब्वियसली GUI पे ही होगा, ठीक है। अगर मैं डेटाबेस की बात करता हूँ, सारे जितने यहाँ पे है थर्ड लेयर डेटाबेस लेयर। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा साथ में इसके हाना का भी आपको एक एक्सप्लेन करूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखना समझना गौर से। डेटाबेस लेयर में क्या है, सारे टेबल्स। अगर मैं जैसे बिजनेस की यहाँ पे बात जो कर रहा था पहले, जो पहले मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में दिखाया था, मटेरियल सेल्स के लिए और मटेरियल एचआर के लिए, एफआई के लिए, तो उनके डेटा कहाँ स्टोर होगा, वो बिजनेस डेटा वो टेबल्स में स्टोर होगा जाके, क्योंकि टेबल कंटेन्स फिजिकल, मतलब जो टेबल है उसके अंदर डेटा फिजिकली कंटेन होता है, स्टोर होता है, राइट दिवासकर।
यस सर। तो डेटाबेस में ही वो सारी चीजें सेव होती हैं। होता एक्चुअली में क्या है, ये हमारा है सर्वर। सर्वर के अंदर यहाँ पे मैं ये डेटा इस लेयर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होती है, एक लेयर, एक यहाँ पे होती है DDIC, जिसको हम डेटा डिक्शनरी भी बोलते हैं, जिसको हम सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम भी बोलते हैं। इसी के अंदर डेटाबेस होता है, यहीं पे सारे टेबल्स क्रिएट होते हैं जाके। ठीक है दिवाकर। अच्छा, पहले क्या था यहाँ पे ड्रॉबैक, पहले हम यूज करते थे ओरेकल का डेटाबेस या माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस। इज माय वॉइस क्लियर टू यू दिवाकर? परफेक्ट। ओके, ड्रॉबैक क्या था यहाँ पे, अभी देखो समझ इस लेयर को अच्छे से समझो दिवाकर। पहले ड्रॉबैक क्या था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था, क्यों हाना आया, हाना की जरूरत क्या पड़ गई ऐसी, वाई हाना केम इनटू द पिक्चर। अभी हमने एक सेलेक्ट क्वारी चलाई डेटाबेस से डेटा गेट करने के लिए, एक 1000 रिकॉर्ड्स मुझे गेट करने हैं या 500 रिकॉर्ड्स गेट करने हैं या 100 रिकॉर्ड्स गेट करने हैं। सर वन मिनट। ओके, हेलो। यस दिवास सर, यस। ओके, सो शैल वी गो अहेड? यस। तो व्हाट वाज द इशू एक्चुअली, यहाँ पे इशू क्या था, अगर मैं ओरेकल का डेटाबेस यूज़ करता था या माइक्रोसॉफ्ट से डेटाबेस यूज़ कर रहा था डेटाबेस लेयर के अंदर, जो कि डेटाबेस लेयर है SAP के अंदर, तो दिवास के यहाँ पे इशू क्या था, सपोज दैट, इज माई वॉइस क्लियर टू यू दिवास का, राइट? यस सर। ओके, अभी सपोज एक अबैप कंसल्टेंट है, अबैप डेवलपर है, उसने क्या किया, देखना यहाँ से, यहाँ पे समझना, उसने क्या किया, उसको एक 100, 200, 300 रिकॉर्ड्स, मल्टीपल रिकॉर्ड्स उसको डेटाबेस से गेट करने हैं, तो वो कैसे गेट करेगा, सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ करेगा। यहाँ पे जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम अबैप स्टैक में करते हैं, मतलब अबैप लेयर के अंदर करते हैं, मतलब बिजनेस लेयर में करते हैं, तो सेलेक्ट करेगा, स्टार का कभी यूज़ नहीं किया जाता, सो वो फील्ड्स का नेम लेगा, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए वो क्या करेगा, डेटाबेस से डेटा गेट करेगा। यहाँ ड्रॉबैक क्या होता था, एवरी रिकॉर्ड के लिए रिक्वेस्ट जो थी एप्लीकेशन लेयर से बिजनेस लेयर डेटाबेस लेयर में आती थी, यहाँ से डेटा गेट करती थी, फिर एप्लीकेशन लेयर में आके प्रोसेस होती थी, जो हम लूप लगाते हैं। उसके बाद क्या होता था, हमें आउटपुट कहाँ मिलता था, प्रेजेंटेशन लेयर पे। अब 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स अगर डेटाबेस से मुझे गेट करने हैं तो एवरी रिकॉर्ड के लिए बार बार ये प्रोसेस होता था। सो एक सिंपल सी बात मैं करता हूँ, अगर ये प्रोसेस नेटवर्क में हंड्रेड्स ऑफ कंसल्टेंट्स कनेक्टेड होते हैं एक बिजनेस, अगर मैं SAP की बात करूँ, एक आपकी किसी भी कंपनी की बात करूँ, नेटवर्क में कोई इंडिया से कोई अब्रॉड से, बट दे कनेक्ट विद द नेटवर्क, राइट, इंटरनेट राइट, तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालती है। ये इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आ गया CDSU, कोर डेटा सर्विसेस। कोर डेटा सर्विसेज में क्या है, सिंपल है, अगर मैं CDSU बना रहा हूँ तो डेटाबेस लेयर के अंदर ही CDSU बना रहा हूँ मैं, ठीक है, डेटा गेट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ इसको टच करने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पे डेटा गेट कर रहा हूँ, यहीं पे प्रोसेस कर रहा हूँ, जस्ट प्रेजेंटेशन पे शो कर दे रहा हूँ। डायरेक्ट प्रेजेंटेशन पे, अगर हमें जो मतलब इससे CDSU से क्या हुआ कि जो भी हम काम डेटाबेस पे कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट यहीं पे करेंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सीधा उसके पास शो कर देंगे हम एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर पे। एग्जैक्टली, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो गया, जो लोड यहाँ से उठ के यहाँ आता था वो खत्म हो गया। पहली चीज, ये अननेसेसरी स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि मैं एक रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा, एक
सिंपल सी चीज़ है यार, एक फंक्शनल कंसल्टेंट की बात करता हूँ। चलो फंक्शनल कंसल्टेंट यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे ऑब्वियसली वो एप्लीकेशन लेयर पे एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो यहाँ पे कोई सपोज VA01 ट्रांजेक्शन कोड क्रिएट एग्जीक्यूट करता है क्रिएट करने के लिए सेल्स ऑर्डर, ठीक है, तो होगा क्या, जैसे वो इसको पोस्ट करेगा सेव बटन पे क्लिक करेगा VA01 पे, यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, एप्लीकेशन में आएगी, यहाँ प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद में क्योंकि कोडिंग प्रोसेस होगी पीछे, उसके बाद में फिर यहाँ डेटाबेस में जाके वो सेव हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 100 मैं कहता हूँ पूरे एक बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जिसके अंदर 1000 डिप्लॉइज एट अ सेम टाइम उनको VA03 ट्रांजेक्शन कोड एग्जीक्यूट करना है सेल्स ऑर्डर देखने डिस्प्ले करने के लिए, थाउजेंड्स ऑफ कंसल्टेंट है जो SD कंसल्टेंट है, तो सेम टाइम पे जब वो एग्जीक्यूट करेंगे ट्रांजेक्शन कोड तो थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट एक साथ में क्या होगी, यहाँ से यहाँ आएगी प्रोसेस होगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से प्रोसेस होगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी प्रोसेस होगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी प्रोसेस होकर उसको डिस्प्ले डेटा सेल्स ऑर्डर डेटा डिस्प्ले होके दिख जाएगा जो कि VA03 से देखते हैं। Am I right? Is it correct? Means you getting right what I'm trying to explain? तो इतने अननेसेसरी एफर्ट्स करने के बजाय इसीलिए BW4 S4HANA आ गया, जिसने क्या किया, ऑब्वियसली वो GUI से एग्जीक्यूट करेगा, कोई भी जब ट्रांजेक्शन कोड एग्जीक्यूट करेगा तो वो GUI पे ही जाएगा पहले, SAP की GUI जो कि जो हमें फ्रंट में स्क्रीन दिखती है, वो यहाँ से क्या करेगा, अभी सपोज कर एक बहुत बड़ी कंपनी है उसमें एक फंक्शनल कंसल्टेंट है जो SAP SD कंसल्टेंट है, ठीक है, उस कंपनी के अंदर एट अ सेम टाइम, क्योंकि हम कभी भी काम करते हैं किसी कंपनी में तो इंट्रानेट इन्वायरमेंट में काम करते हैं, किसमें, इंटरनेट मतलब हमारा कंपनी जो है वो डिफरेंट सिटीज़ डिफरेंट कंट्रीज में चेन से जुड़ी होती है। अगर मैं एक सिंपल कंपनी की बात करूं, IBM की बात करता हूं, IBM का ऑफिस नोएडा में भी है, दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी है, हैदराबाद में भी है, मुंबई में भी है, बेंगलोर में भी है, पुणे में भी है, US में भी है, UK में भी है, ठीक है, और हर कंट्रीज में है, जर्मन में भी है, ठीक है। अब एक कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ, सपोज IBM, इसके थाउजेंड्स ऑफ SD कंसल्टेंट जिसमें से 800 कंसल्टेंट इसके सपोज बैठे हैं ऑन साइट, ऑन साइट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए हैं, और उसके 100 कंसल्टेंट जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं, ऑब्वियसली मोर देन 100 ही होंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिया में भी IBM की बहुत ब्रांचेज है, समझ मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, समझो, तो होता क्या यहाँ पे, अगर एट अ सेम टाइम सारे कंसल्टेंट्स, ऑल कंसल्टेंट जितने भी कंसल्टेंट्स हैं वो एक ट्रांजेक्शन कोड एग्जीक्यूट करते हैं VA03, हमें नहीं पता किसको देखना है, कहाँ से कोई देख रहा है, लेकिन मैं एक बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, एक सर्वर की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे क्या होगा, जब हंड्रेड्स ऑफ SD कंसल्टेंट प्रेजेंटेशन लेयर से VA03 एग्जीक्यूट करेंगे, VA03 ट्रांजेक्शन कोड क्यों यूज़ करते हैं हम, टू डिस्प्ले द सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, क्रिएट करने के लिए VA01, चेंज करने के लिए हमें मिलती है VA02, VA03 हमें क्यों मिलती है दिवाकर, हेलो वो क्या करना चाहते हैं, डिस्प्ले सेल्स ऑर्डर करना चाहते हैं, तो प्रेजेंटेशन पे वो एग्जीक्यूट जैसे ये ट्रांजेक्शन कोड करेंगे, नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं, सपोज यहाँ पे 800 200 कंसल्टेंट है वो US से कर रहे हैं, 300 कंसल्टेंट सेम कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन लेयर से जाएगी एप्लीकेशन लेयर पे, वहाँ प्रोसेस होगी, उसके बाद डेटाबेस लेयर में आएगी, डेटाबेस लेयर में जो टेबल एंट्रीज होंगी वो यहाँ प्रोसेस होने के बाद फिर एप्लीकेशन लेयर में वो रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ प्रोसेस होकर फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगी, तो 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस अगेन 3 प्रोसेस 4 प्रोसेस, अननेसेसरी एफर्ट्स। इसीलिए क्या हो गया है, जो CDS व्यू आ गया है, इसलिए देखा हो तूने आजकल क्या है दिवास का, जैसे BW की बात करो उसमें भी RSA1 ट्रांजेक्शन कोड है, जैसे सोर्स डेटा सोर्स, मैंने काम किया है BW पे, तो अगर BW, इसीलिए BW4 S4 HANA आ गया, S4 HANA, तो HANA में बेनिफिट क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, CDS व्यू पे काम करेंगे, सिंपल,
मतलब सर जो ये मतलब हमें जैसा कि जो आईबीएम के मतलब एग्जांपल जो लिया था आईबीएम के, जैसे 800 बंदे हैं वो हमारे ओन साइट वर्क कर रहे हैं आउट ऑफ वर्ल्ड, और 100 इम्प्लॉय हमारे इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं। अगर हमें उनका डेटा देखना है तो हम VA03 से देखेंगे। VA3 मतलब देखने के लिए क्या होगा, पहले ये देखेंगे कि उनके डेटाबेस में कितना क्या हुआ है, वो देखने वो चेक करने के लिए एप्लीकेशन पे जाएगा, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन पे जाएगा, फिर जाके इस तरीके का प्रोसेस चलता रहेगा। मैं बताता हूँ, कभी भी कोई भी हम ट्रांजेक्शन कोड एग्जीक्यूट करते हैं ना, सर SC11। आपकी सर वॉइस थोड़ी लो आ रही है सर, थोड़ा अच्छा, क्लियर। हाँ अभी कैसी है? हाँ परफेक्ट है। ओके। कभी भी हम कोई फंक्शनल ट्रांजेक्शन कोड या कभी भी कुछ भी जाके एग्जीक्यूट, जो फंक्शन वाले करते हैं ना, वो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन लेयर पे करते हैं। तो होता क्या, जैसे वो एग्जीक्यूट करते हैं ना, सपोज ME23N ट्रांजेक्शन कोड अगर तू एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, या माइरो वेंडर इनवॉइस वेरिफिकेशन माइरो ट्रांजेक्शन कोड है, तो माइरो जैसे ही एक फंक्शनल कंसल्टेंट एग्जीक्यूट करेगा, तो वो करेगा तो यहाँ पे करेगा, तो मतलब SAP की विंडो पे ही करेगा, मतलब वो प्रेजेंटेशन लेयर पे करेगा, लेकिन बिहाइंड में क्या होगा, अबैप की कोडिंग ट्रिगर होगी। सर वो इज ऑडिबल नहीं है आपकी सर, प्लीज एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ अभी कैसा है? सर। हेलो। हाँ सर अब परफेक्ट है। ओके। तो जैसे कोई भी फंक्शनल ट्रांजेक्शन, कोई भी फंक्शनल वाला कंसल्टेंट जैसे प्रेजेंटेशन लेयर पे कुछ भी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, वो डेटा एप्लीकेशन लेयर में चीज़ आके एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे, उसके बाद वो डेटाबेस में जाएगी, प्रोसेस होगी। सपोज वो अगर क्रिएट कर रहा है सेल्स ऑर्डर, तो प्रेजेंटेशन से एप्लीकेशन लेयर टच होगी, एप्लीकेशन से डेटाबेस लेयर टच होगी, तब वो जाके सेल्स ऑर्डर डेटाबेस में सेव होगा। नाउ अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्ले करने की, तो अगर मैं डिस्प्ले कुछ भी करूंगा, तो प्रेजेंटेशन लेयर से वो एप्लीकेशन लेयर में प्रोसेस जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वो डेटाबेस में जाएगी, फिर यहाँ से डेटा जो मैं फेच करना चाहता हूँ डिस्प्ले, अब भाई अब सेल्स ऑर्डर अगर कुछ भी डिस्प्ले करना चाह रहे हो, तो वो लाएगा कहाँ से वो डेटा? लाएगा तो डेटाबेस से ही है ना, डेटा कहाँ स्टोर होता है? डेटाबेस से ही लाएगा ना। तो क्या होगा, यहाँ से फिर वो प्रोसेस होकर एप्लीकेशन लेयर में प्रोसेस जाएगा, यहाँ से फिर आके प्रेजेंटेशन में आके डिस्प्ले हो जाएगा डेटा वो। तो अब मैं अगर बात करता हूँ कोड पुश डाउन टेक्निक, थोड़ा मैं इसको हटाता हूँ, ये ज़्यादा होश पोश दिख रहा है। अगर मैं काम करता हूँ कोड, ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, डोंट वरी दिस बात दिवासकर, अगर मैं बात करता हूँ कोड पुश डाउन टेक्निक, तो यही है कोड पुश डाउन टेक्निक, कि जो हम इस पे लोड डाल लेते थे पहले एप्लीकेशन लेयर पे, अब डायरेक्ट वही काम हम डेटाबेस लेयर के अंदर करेंगे। तो इसी इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ गई, CDS व्यू की। CDS व्यू का मतलब क्या है, डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ डेटाबेस से, डायरेक्टली मैं काम कर रहा हूँ डेटाबेस के अंदर, डायरेक्टली मैं डेटाबेस के ही अंदर काम कर रहा हूँ। तो अगर मैं डेटाबेस के अंदर ही डेटा को गेट कर रहा हूँ, यही प्रोसेस कर रहा हूँ और प्रेजेंटेशन पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, तो दैट वुड बी द ग्रेट थिंग यार। अननेसेसरी की जो लेयर्स बीच में प्रोसेस हो रही थी, वो काम रिड्यूस हो गया, राइट? मतलब सर जैसे कि अब हमें डायरेक्ट देखने हैं तो सीधा सीधा मतलब डेटाबेस पे आएंगे, मतलब जो अब हमारे हाना का वर्क है वो क्या सीधा डेटाबेस पे जाएगा और जाके दिखा देगा प्रेजेंटेशन लेयर पे। एग्जैक्टली, बिकॉज हम जब भी इक्लिप्स पे काम करते हैं, इक्लिप्स एक थर्ड पार्टी टूल है, IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, या अगर हम ADT पे काम करेंगे, जो हाना का खुद का मतलब ID है उसकी, उसको ADT बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम उस पे काम करेंगे, उसका मतलब डायरेक्टली हम यहीं पे काम कर रहे हैं, मतलब अरे डायरेक्टली हम डेटाबेस के ही अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल है भाई, आप जिस रूम में बैठे, करंटली यू आर सिटिंग इन अ रूम, राइट? उस रूम के बाहर एक एक मैं कहता हूँ, एक 5 to 10 rooms के बाद में वाटर की बॉटल रखी हुई है। आपको आपके वर्किंग आवर में 5 times वाटर के लिए जाना पड़ता है, प्यास, यू विल फील थर्स्टी, देन यू विल हैव टू गो। तो 10 times बार बार जाके पानी पी के आने से मच बेटर एक बॉटल भर के, एक 2 liter की आप अपने पास रख लो, कैसे समझे ना कॉन्सेप्ट? आपको समझ में आया? सर एक बार दोबारा सर बताना, ये मतलब आपने जो अभी जस्ट बताया बिल्कुल अभी अभी। मैं बताता हूँ होता क्या। सपोज एक जनरल लाइफ से एग्जांपल लेता हूँ, जनरल वे में आप वर्किंग आवर में, आप अपने ऑफिस के अंदर अभी बैठे हो, राइट? आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आपको 10 times यू फील थर्स्टी इन योर वर्किंग आवर्स, हाँ ये जनरली जनरली बात कर रहा हूँ। अच्छा तो आपके जिस रूम के अंदर आप बैठे हो, उससे उससे सपोज दैट उससे 2 to 3 to 5 rooms के बाद में एक वाटर का टैंक है, जहाँ पे वाटर स्टोर है, फिल्टर वाटर, ठीक है। तो
पहली बार जब आपको प्यास लगी तो आप आपके रूम से निकल के वहां से बॉटल में पानी भर के लेके वहां पानी पी के फिर वापस आप रूम पे आए. अगेन व्हेन यू विल फील थर्स्टी देन अगेन यू विल गो देयर एंड यू विल कम बैक. कितने प्रोसेस हो गए? दो बार प्रोसेस हो गए. 10 times ऐसे. हाँ, ऐसे 10 times जब आपको प्यास लगेगी तो 10 बार आप जाओगे आओगे, 10 बार जाओगे आओगे, जाओगे आओगे. बेहतर क्या है उससे? बेहतर क्या है? एक 2 liter की बोतल भर के आपके पास आपके रूम में ही रख लो तो क्या होगा? समय बचेगा. यस सर. एक्स्ट्रा एफर्ट्स बचेंगे. बिल्कुल. तो यही चीज होती है जब हम वर्क करते हैं कोर डेटा सर्विसेज या कोड पुश डाउन टेक्निक पे. सिंपल, कोड पुश डाउन का मतलब क्या होता है? यही कोड को मैंने पुश डाउन कर दिया यहाँ पे डेटाबेस के अंदर. सिंपल. ये आगे हाना की बात है. जब मैं हाना ट्रेनिंग देता हूँ तो उसमें डीप पूरा चीजें काफी कुछ कवर करता हूँ, कैसे CDS, AMDP, प्रॉक्सीज पूरा. तो ये थी लेयर, ये थी प्रेजेंटेशन, बिजनेस लेयर, एप्लीकेशन लेयर पे ऐसे होता है काम एक्चुअली में. अब हम क्या करेंगे सर? ये तो समझ में आ गई सर मुझे आज. हाँ, गुड. आज के लिए मैं इतनी क्लास करूंगा. इवनिंग में हम फिर कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की, या नाइट में नेक्स्ट क्लास के लिए, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डीपली स्क्रैच से DDIC क्या है. ठीक है. और सर मुझे एक क्वेश्चन भी है मेरा, मतलब उसे रात को ही पूछूंगा सर मैं नाइट में. सर क्या एस्पो हाना और अबैब और हाना में क्या डिफरेंस है? वो मैं रात को एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो अभी कर देता हूँ. नहीं सर, सर यहाँ पे क्या एक्चुअली सर कोई ना कोई आ रहा बार बार है ना. हाँ, तो अच्छी बात है वो. मैं वेरी नाइस क्वेश्चन, ये जनरली आता है लोगों के दिमाग में. ये चीज मैं रात को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. डोंट वरी. ठीक है सर. ओके सर, थैंक यू सर. इट्स माय प्लेजर. ओके, नाइस टॉकिंग, नाइस मीटिंग विद यू आल्सो दिवाकर. थैंक यू वेरी मच. बाय. जस्ट अ मिनट, आई विल डिस्कनेक्ट दिस वन. ये वीडियो आपको शेयर हो जाएगी दिवाकर. ठीक है.